दीपोत्सव की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ पूरे भक्ति भाव से बोलिए, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। मुझे ओनली 600 पेंशन मिलती है एनपीएस, मतलब पेंशन के नाम पे मजाक। 600 रुपए में एक महीने की सब्जी नहीं आती। एक साल हो गए हमको रिटायरमेंट के, जो पैसा 6-7 लाख रुपए हमको मिला था वो खर्चा हो गया। अभी एक लड़की हमारी शादी करने के लिए है, उसके लिए हमको अपना घर आधा बेचना पड़ेगा। जब भी घर यहाँ कहीं जाते हैं तो यही लोग कहते हैं कि पेंशन मिलती है, तो शर्म कुमार ना नहीं कहते कि नहीं मिलती है, मिलती है भाई, लेकिन मुंह लटका लेते हैं बाद कि क्या मिलती है, भीख मिलता है। हम अपने आप को जानते हैं कि क्या हमको मिल रही है। नमस्कार मित्रों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी अभी अयोध्या में करीब 15 लाख दिए जलाने का एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया, इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। प्रधानमंत्री इस मौके पर मौजूद थे और जो दीपावली का जश्न होता है उसको केवल अयोध्या वासियों ने नहीं बल्कि पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने देखा। एक तरफ दीपावली का जश्न है तो दूसरी तरफ कुछ अंधेरे हैं। मैं उन अंधेरों की बात भी करूंगा और दीपावली की बात भी करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में थे और अयोध्या में उनकी अगवानी में इस बार जब दीपावली मनाई गई तो पिछले तमाम रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 15 लाख दिए जलाए गए और 15 लाख दिए जलाने के लिए पूरा सरकारी अमला लगा हुआ था। सरकारी तमाम व्यवस्थाएं वहां पर इतनी चाक चौबंद थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सके। और इन तमाम व्यवस्थाओं में सरकार का संसाधन लगता है, ढेर सारे पैसे भी खर्च होते हैं। मैं इन सब की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि एक तरफ सरकारी संसाधनों से इतना बड़ा जश्न मनाया जा रहा है, दीपोत्सव मनाया जा रहा है, उसकी खुशियां मनाई जा रही हैं, उसको प्रचारित भी किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ अंधेरे हैं जो सवाल करते हैं। मैं उन सवालों पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और इससे पहले कि मैं आपको पुरानी पेंशन की मांग को लेकर कर्मचारियों का दर्द जो है बयां करूं, आप खुद सुन लीजिए कि वो कह क्या रहे हैं। पुरानी पेंशन सबसे अच्छी, कम से कम लोगों को मिलती तो है। अब मैं रिटायर हुई हूँ 2018 में, मुझे ओनली 600 पेंशन मिलती है एनपीएस। 600 रुपए में एक महीने की सब्जी नहीं आती, जबकि मेरा इलाज चल रहा है 7,000 रुपए पर मंथ दवा का चल रहा है, क्योंकि मेरा लीवर सिकुड़ चुका है। तो मैं हमको 2,000 रुपए मिल रही है, 2,000 रुपए में हम क्या करें कुछ हमारी समझ में नहीं आता। ऐसी नहीं, इससे तो अच्छा ये सरकार गोली मार देती तो हम लोगों के लिए अच्छा होता कि अब यहाँ जो हमको मरना है तो ऐसे हम चले जाते ऊपर, तो इससे हमको कम से कम वहाँ तो राहत हमको मिलती। क्या इस पेंशन को लेकर के हम क्या करें? समाज में हम जाए तो कोई पूछता है कि आप पेंशन पा रहे हैं तो उससे हम शर्म लगती है, हम उससे क्या बताएं? इससे अच्छा तो हमसे वो जो विधवा पेंशन मिल रही वो लोग अच्छे हैं। हम लोगों से जो हम 2016 में रिटायर हुए हैं और मैं 42 साल सर्विस किया हूँ, 42 साल। कितनी पेंशन मिल रही है आपको इस समय? मिल रही 745 रुपया। तो क्या मिल रही? भीख मिल रही है। ये तो भीख जी, एक भिखमंगा को भी भीख दिया जाता है वही मिल रही पेंशन। क्या तो क्या सरकार से उम्मीद आप? तो सरकार से उम्मीद हम क्या बताएं, क्या करें सरकार? तो हम तो कहते हैं कि हमको हमारी सेवा जोड़ करके हमको पुरानी पेंशन मिले। ये हम लोग इसे नॉन पेंशन स्कीम बोलते हैं क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे सर ने कहा कि इससे हमें गोली मार देते, ये लोकतांत्रिक सरकार हैं, लोकतांत्रिक देश है और वो ये लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम सारे कर्मचारी मिलकर
प्रदेश में 13 लाख और देश में 70 लाख मिलकर के हम निश्चित रूप से आने वाले समय में ये दिखा देंगे कि कर्मचारी की ताकत क्या होती है। हर घर से आदमी निकलेगा, समाज से निकलेगा, छात्र निकलेंगे, बेरोजगार निकलेंगे और अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएंगे कि कर्मचारी होना अगर है तो उसकी पेंशन होनी चाहिए। किसी हाल में हम इसे मानने वाले नहीं हैं। ये दर्द है नई पेंशन पाने वालों का, जिनको 700 और 800 और 2000 पेंशन मिलता है। जीवन के उत्तरार्ध में ये पैसे कितने अहमियत रखते हैं, ये पैसे उनकी कितनी मदद कर पाते हैं, ये एक सवाल है। और इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह के लोग सवाल उठा रहे हैं। और आपको मालूम होगा कि पुरानी पेंशन की मांग को बहाल करने को लेकर जिस तरह से आंदोलन बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से राज्यों में इसको स्वीकृति मिल रही है, पंजाब नया राज्य है जो इस पूरी पुरानी पेंशन सिस्टम को लागू करने वाला एक नया प्रदेश बन गया है, ये चौथा राज्य है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में पहले से है, झारखंड में भी घोषणा हो चुकी है और पंजाब ये पांचवा राज्य बन गया है। अभी हिमाचल प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और वहाँ भी ये मांग बहुत थी गंभीरता से चुनावी मुद्दा बन चुका है और इस पर वहाँ के चुनावों पर असर पड़ने जा रहा है, ये बात तय हो गई है। अब सरकार जो वहाँ पर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो सरकार चूंकि चुनाव का ऐलान हो चुका है और वो घोषणा नहीं कर सकती है। इससे पहले उम्मीद की जा रही थी कि सरकार के ऊपर इतना दबाव बढ़ गया है कर्मचारियों का कि ये हो सकता है चुनाव से पहले ही इसका अनाउंसमेंट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बहरहाल वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके सामने ये सवाल है कि पुरानी पेंशन की मांग करने वाले कर्मचारियों को कैसे अपनी ओर किया जा सके। मुमकिन है इसके लिए सियासी दांव फेंके जाएंगे और जैसा कि आमतौर पर सभी चुनावों में होता है, एक हिंदू मुसलमान करके मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जाती है और जमीन पर जो मुद्दे होते हैं वो पीछे चले जाते हैं और दूसरे मुद्दे, अर्थहीन मुद्दे सामने हो जाते हैं और उन पर हम वोट कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि आम लोगों में भी सरकार की इस नीति को लेकर निराशा होने लगी है। और दीपावली के वक्त पर मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि एक तरफ सरकार जो पेंशनधारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर रही है, दूसरी तरफ जो पुरानी पेंशन पाने वाले हैं उनको नियमित रूप से पेंशन भी नहीं मिलता है, उनके सामने समस्याएं हैं। और जो पुरानी पेंशन की मांग जो अभी मौजूदा कर्मचारी हैं वो कर रहे हैं उसको राजनीतिक मुद्दा बताकर उनको हाशिए पर रखने की कोशिश हो रही है। इन सब के बीच में यह तय हो चुका है कि पुरानी पेंशन की मांग आने वाले समय में, आने वाले चुनावों में एक बड़े मुद्दे के तौर पर उभरेगा। पुरानी पेंशन की मांग और निजीकरण का सवाल, ये दोनों सवाल इतने गंभीर हो जाएंगे, कर्मचारियों का एक बड़ा तबका सरकार से नाराजगी की वजह इतना बड़ा ये मामला बन जाएगा कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस मुद्दे पर भी लोगों का ध्यान जाएगा, आम लोगों का ध्यान जाएगा। ये सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि राज्यों में इसको स्वीकृति मिल रही है, राज्यों को लग रहा है कि तमाम आर्थिक दिक्कतों के बावजूद ये एक जायज मांग है। हालांकि इसको इस रूप में भी पेश करने की कोशिश की जा रही है कि राज्य जो फैसला कर रहे हैं पुरानी पेंशन की मांग को स्वीकार करने का, वो अपने आर्थिक हितों को चोट पहुंचा रहे हैं। पंजाब सरकार ने जब ये फैसला किया तब भी ये बात कही गई, लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकारी कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा का सवाल इतना कमजोर है, इतना महत्वहीन है कि उनकी हम बातें नहीं मानी जा सकती या उस पर विचार नहीं किया जा सकता। मैं तो कहता हूं कि पुरानी पेंशन की मांग में अगर कोई कमी है या उसकी वजह से अर्थव्यवस्था को चोट पहुंच सकती है तो इस बारे में कोई विचार होना चाहिए, इस बारे में कोई कमेटी बननी चाहिए, इस पर अध्ययन होना चाहिए ताकि ये जो मांग है इसमें तमाम अभी जो आर्थिक पहलू हैं उनको स्वीकार करते हुए हम क्या दे सकते हैं, क्योंकि ये तो तय हो चुका है। ये तो आपने देखा कि किस तरह से नई पेंशन के सिस्टम के तहत जो लोग पेंशन पा रहे हैं 700 और 2000 और 2500, उससे उनकी जीविका चल नहीं पा रही है, उससे उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, उससे उनका सामाजिक मान, स्वाभिमान नहीं रखा जा पा रहा है।
तो सवाल उठता है कि उनकी मदद तो करनी पड़ेगी, ये भारत के नागरिक हैं, ये वोटर भी हैं, लेकिन सवाल है कि सरकार इन मांगों को केवल और केवल सियासी चश्मे से देख रही है। उसे लग रहा है, सत्ताधारी पार्टी को लग रहा है कि वो कुछ ऐसे सवाल उछाल लेगी जिसकी वजह से उसे वोट मिल जाएगा, उसे जरूरत का वोट मिल जाएगा। अभी मैंने देखा एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री दीपावली के पहले कार्यक्रम कर रहे थे मध्य प्रदेश में, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को मकान दिए गए थे और वो दावा कर रहे थे कि गरीब के घरों में भी अब दीपावली मनाई जा रही है, गरीब भी अपने घर में दीपावली मना सकता है, ऐसा 70 सालों में पहली बार हुआ है। हो सकता है, हुआ है, लेकिन सरकार का काम यही है कि वह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, अधिक से अधिक लोगों की जिंदगी में बदलाव लाए। और जहां तक आर्थिक संसाधनों का रोना रोया जाता है, वहां यह जरूरी है कि हम कहां खर्च करें और कहां खर्च नहीं करें। और क्या अयोध्या में जो इतना भारी रकम खर्च किया जा रहा है, अयोध्या में जो इतना बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, इस उत्सव को थोड़ा छोटा करके कुछ और लोगों के घरों में दिए जलाए जा सकते थे, कुछ और दिवाली मनाई जा सकती थी, ये सवाल सोचिएगा। और आप इस सवाल पर लोगों के बीच में चर्चा भी कीजिएगा और हमारे वीडियो पर कमेंट करके बताइएगा। आजकल सवाल करने का समय नहीं है, सवाल पूछना मुहाल हो गया है, सवाल पूछना गुनाह हो गया है, लेकिन ये सवाल मैं पूछ रहा हूं कि सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। अधिक से अधिक घरों में रोशनी, अधिक से अधिक घरों में उजाला, अधिक से अधिक लोगों का आत्मविश्वास में विकास, उनका आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए और ये सरकार का दायित्व है। क्या वोटों के लिए सरकार इस दायित्व से अलग हट सकती है? क्या उसे सिर्फ वोटर दिखाई दे रहे हैं? क्या उसे भारतीय आम जनता नहीं दिखाई दे रही है? आम जनता के वो सवाल नहीं दिखाई दे रहे हैं? वो बेरोजगारी के सवाल नहीं दिखाई दे रहे हैं? महंगाई के सवाल नहीं दिखाई दे रहे हैं? जश्न दिखाई दे रहा है? इस पर विचार करने की जरूरत है और इस पर विचार सरकार तभी करेगी जब हम और आप मिलकर सरकार पर दबाव बनाएंगे, जब विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। और इन सवालों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आपको एक बार फिर दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए सवाल के साथ, नए विचार के साथ, नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं।